इंडिया शिफ्ट कर दो यार, ऐसा करो मैं इंडिया जाके इंडिया के मैचेस देखूं, जय हिंद जय माता। मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोगों की भीड़ नहीं देखी। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रॉफी होगा या वर्ल्ड कप होएगा, ठीक है, सिर्फ इंडिया का होगा। मैं पूरी इंडिया को मुबारकबाद देती हूँ। लव यू इंडिया, मतलब मुझे फखर है कि मैंने इस टीम को पाकिस्तान में रहकर सपोर्ट किया था। वो तो देखे ना, विनिंग टीम है ना, वर्ल्ड कप जीत के आई है, जाहिर है मुल्क को इस्तकबाल करना चाहिए, ये तो वेलकम करना चाहिए। तमाम बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं मुंबई के लोगों ने, दिल खुश कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में यार इतने लोग नहीं देखे। हम पाकिस्तानी बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजों में भाई इन्वॉल्व रहते हैं। वही प्राइम मिनिस्टर उस ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा रहा, तो इसकी कुछ बहुत सॉलिड रीजंस हैं कि मोदी साहब ने ये बताया है, अच्छा, कि ट्रॉफी जो लेकर आए हैं, ठीक है समझ गया, उन्हीं का हक है कि वो इसको थामे। अबे तू पागल है क्या? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अर्जेंटीना जब मैच जीती थी वर्ल्ड कप फाइनल, वहां पे 2.5 लाख बंदा था और आवाम समझ रही थी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है। इसके लिए काफी मेहनत की है। दिस फीलिंग यू कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। आज असल में पता चला है कि इंडिया ने क्या विन किया है। जो जीत, जो ट्रॉफी इंडिया ने बारबाडोस में उठाई थी, वो जब इंडिया में लैंड हुई है, उसकी वैल्यू उस दिन पता चली है। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मतलब यहाँ से वो ऐसे दिमाग मेरा कट के ऐसे ऊपर को चला गया कि क्या हुआ है। लव यू इंडिया, मतलब मुझे फखर है कि मैंने इस टीम को पाकिस्तान में रहकर सपोर्ट किया था और ये टीम चैंपियन बनी थी। आज इस टीम के फैंस ने, इंडिया वालों ने बता दिया कि इस टीम की दुनिया में कितनी फैन फॉलोइंग है। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। आज इंडियन फैंस ने समंदर लगा दिया लोगों का। मुंबई में जिस तरह इस टीम को वेलकम किया गया, जिस तरह इस टीम की परेड की गई है, जिस तरह विनिंग सेलिब्रेशन आज इंडियन फैंस ने किया है, जिस तरह जो है वो मतलब आप कह लो, मैंने अपनी जिंदगी में खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोगों की भीड़ नहीं देखी। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रही है, ठीक है। उन्होंने मेरे ख्याल से कोई मैच नहीं हारे, वो बिल्कुल अनबीटन गए हैं, टोटल मैच वो जीते हैं, ठीक है। इसीलिए अच्छा। उनका इस्तकबाल वगैरह उनका करना राइट बनता है, जाहिर सी बात है। वर्ल्ड कप 2 साल बाद आता है, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जीत के गए हैं, तो फिर उनका इस्तकबाल करना तो बनता है। वाह रे इंडिया वाह, कप जीते तो इंडिया ही जीते, हाय हाय, कोई जीते न जीते पर तुम जरूर जीतो भाई। हिंदुस्तान की टीम, इंडियन क्रिकेट टीम जो है हिंदुस्तान पहुंच चुकी है, और भाई सुबह ही सुबह इतने सारे लोग एयरपोर्ट पे आके जमा हो चुके हैं, और भाई भंगड़े हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, ढोल बाजा बैंड सब कुछ रेडी, लोग सड़क पे खड़े हुए के वेलकम कर रहे हैं भाई, खुशियां मनाई जा रही है। टीम जो है, टीम का कैप्टन रोहित शर्मा विनर ऑफ द ईयर भाई, वो वहां पर भंगड़े डाल रहा है भाई, मजे आ रहे हैं, लोग एक दूसरे की चुम्मियां ले रहे हैं भाई। हमारे जो घंटे है ना कुछ 2 टके के, वो पता कहते हैं इंडिया ने फिक्स किया था, इंडिया। आप देख लो इंडिया के लोगों ने उनके साथ किस तरह प्यार और मोहब्बत वाला वेलकम किया है। यकीन कर लो ऐसा पाकिस्तानी, मुझे तो लगता है इतनी पाकिस्तान की बात ही भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रॉफी होगा या वर्ल्ड कप होएगा, ठीक है, सिर्फ इंडिया का होगा। अच्छा वो उनके प्लेयर की बात सुनो, जीतने भी हमारे, देखो ना लाहौर में होएगा, मुल्तान हाँ। में होएगा, ठीक है ना, ठीक, रावलपिंडी में होगा, ठीक हाँ। है ना, वो दलेर होते हैं। अच्छा, हमारे में तो दलेरी नहीं है यार, सबसे पहले जज्बा तो हम में ज्यादा नहीं है, जज्बे को तो छोड़ो, करना जज्बे को तो हम अभी बोले कि मैं इंडिया को सुराख करूंगा, और लेकिन इसके लिए जिगरा होना चाहिए, ऐसे थोड़े होते यार, खाली कह दे रहे थे कहने में से, तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी बोलते हैं, लेकिन नीच वाले जिंदगी हम थोड़ा गुजार रहे। भारत आने के बाद सबसे पहले वो अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए उनके घर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उन सबसे मिल रहा है, 1 घंटे से ज्यादा का उनको टाइम दे रहा है, उनके साथ सवाल जवाब हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, उनको मुबारकबाद दी जा रही है, और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर जो खुशी है वो देखी जा सकती है। लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर उस ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा रहा, तो इसकी कुछ बहुत सॉलिड रीजंस हैं। इसमें मेरे तज्जिए के मुताबिक तो सबसे बड़ी सॉलिड रीज़न ये है कि ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का ग्रेस है।
तो इसके अंदर एक बात ये है कि मोदी साहब ने ये बताया है कि ट्रॉफी जो लेकर आए हैं उन्हीं का हक है कि वो इसको थामे। पूरी परेड लाइव देखी थी, सबसे फेवरेट मेरा सीन ये था कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इकट्ठे खड़े होके इस तरह ट्रॉफी लिफ्ट की थी आवाम के सामने, वो एक गूज़बम्स था। और पीछे से एकदम से रोहित शर्मा ऋषभ पंत को आगे लेकर आते हैं, इस तरह उसको क्या कहते हैं शोल्डर पे अप्रिशिएट करते हैं कि यही बंदे की वजह से भी हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। कैप्टन हो तो रोहित शर्मा हो, जिसने हर एक बंदे को अप्रिशिएट करो। पाकिस्तान में कभी भी इंसाफ नहीं आएगा, मगर क्यों कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर इस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आएगा ना, वो भी नहीं लाएगा, क्योंकि ये लोग जाहिल हो चुका है। वाओ, मतलब ये ठीक है, हम लोगों ने माना इंडिया जीत के आया है, ठीक है, लेकिन क्या यार ये लोग वैल्यू कर रहे हैं, इनकी तो नसों में क्रिकेट है। मतलब मैं बाकी छोड़े, अवाम ने तो प्यार जो दिया है, जो ट्रॉफी को टीम प्यार दे रही है, वो सोते हैं ट्रॉफी के साथ, सोते हैं उठते ट्रॉफी के साथ, घूमते फिरते ट्रॉफी के साथ, उसको साफ अपनी शर्ट्स के साथ कह रहे हैं। मैं यार सल्यूट है तुम लोगों को, जो तुम लोगों ने प्यार ये दिखा रहा है कि उनकी क्या डेडिकेशन थी, उनकी क्या कंसिस्टेंसी थी, वो लोग उन्होंने क्या अचीव किया है। ये कुछ भी जीते हैं तो अपने गंदे पांव या जूते उस चीज के ऊपर रख देते हैं, और पांव या जूते इस दुनिया में छोटी सी छोटी चीज के ऊपर भी नहीं रखे जाते, क्योंकि सबको पता है कि जब आप किसी चीज पे पांव रखोगे तो इसके बोलने की जरूरत नहीं है, आपने बता दिया कि आपको इस चीज की वैल्यू नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने कप को अपने दिल से लगाकर वैसे ही वहां से लेकर हिंदुस्तान तक पहुंचाया, और खुशी की लहरें देखें इंडिया के अंदर कि आज पूरा हिंदुस्तान आज एक बार फिर खुशी का माहौल है। वो तो देखें ना, विनिंग टीम है ना, वर्ल्ड कप जीत के आई है, जाहिर है मुल्क को इस्तकबाल करना चाहिए, ये तो वेलकम करना चाहिए, ये तो राइट है उनका। अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान के साथ होती तो तभी इधर भी ऐसा ही होता। यार इंडिया ने भाई ये देखो 17 साल बाद अपने मुल्क में ट्रॉफी लेकर आएगा, तो भाई इससे भी ज्यादा जश्न होना चाहिए। पूरा इंडिया बाहर निकला है यार, आपकी क्या इंडिया, इंडिया के किसी भी शहर में ये ट्रॉफी जाएगी ना, इससे ज्यादा क्राउड निकल। ए, इधर देखा, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है।